सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड रनर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 2 राइटिंग ए सिटी लाइफ, लेखनी और शहरी जीवन के तीसरे एमसीक्यू सेशन में। अभी तक हमने दो एमसीक्यू सेशन ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें हमने मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी, मेसोपोटामिया के अर्बनाइजेशन, मेसोपोटामिया में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता था गुड्स का, जो स्क्रिप्ट थी उनकी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एंड द लैंग्वेज राइटिंग की कैसे शुरुआत हुई, राइटिंग की क्या क्या यूटिलिटीज थी। इन सब टॉपिक्स पे हमने अभी तक एमसीक्यूज कवर करा है। आज हम देखेंगे कैसे अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स बनते हैं एंड उनके क्या क्या फीचर्स से उनके ऊपर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जितने भी हमने पीछे एमसीक्यूज कवर करे हैं उनके पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से आप वहाँ ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं किसी भी एमसीक्यू सेशन के, तो उसको फास्ट करके देखें, 1.5x या 2x पे देखें, ताकि आपके समय की थोड़ी सी बचत हो सके। नाउ जितनी भी क्वेश्चंस होती हैं वो एक टाइप की तो होती नहीं है। हमारे पास वन लाइनर भी होते हैं, हमारे पास एसर्शन रीजन बेस्ड भी होते हैं, हमारे पास मैप बेस्ड भी होते हैं, हमारे पास सोर्स बेस्ड भी होते हैं, हमारे पास आइडेंटिफाई द प्लेसेस और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग भी होते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करना पड़ता है, ऐसा सीधे आंसर या क्वेश्चन ही करवा रहे हम लोग, एक्सप्लेन करके बताते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। एक कॉन्सेप्ट से, एक क्वेश्चन से आप तीन कॉन्सेप्ट सीख के जाएं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, बट डोंट वरी, आप इसको स्पीड करके देख सकते हैं, ना केवल इस वीडियो को, बाकी और किसी भी वीडियो को अगर आप देखें तो आप उसे स्पीड करके देखें, ताकि एक तो आपका उससे फोकस भी बढ़ेगा एंड आपका समय, आपकी जो समय की बचत है वो भी हो पाएगी। नाउ कमिंग टू द लेवल वन, शुरुआत करते हैं लेवल वन से। हमारे जितने भी एमसीक्यू सेशंस होते हैं उनमें हम लोग 20 क्वेश्चंस करवाते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, एंड उन 20 क्वेश्चंस में अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। लेवल वन में हमारे पास सिर्फ वन लाइनर एमसीक्यूज होंगे, एक शब्द या एक वाक्य में आपको जवाब देना पड़ेगा। हेयर स्टार्टिंग विद द 41st क्वेश्चन, कि बाय व्हेन, कब तक मेसोपोटामिया में, जो सदर मेसोपोटामिया में मतलब दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, मतलब पीपल स्टार्टेड गैदरिंग देयर, तो सदर मेसोपोटामिया में किस ईस्वी तक आते आते पीपल वर स्टार्टेड लिविंग देयर, मतलब उन्होंने गैदर करना शुरू कर दिया था, सेटलमेंट बनाने शुरू कर दिए थे, क्या 3000 BC तक, या 2400 BC तक, 5000 BC तक, या मतलब कब तक, कब से, लाइक ऐसा एक वाला डेट तो नहीं है, बट वी फाउंड एविडेंस कि भाई इस तारीख अराउंड जो है यहाँ पे सेटलमेंट्स बनने की शुरुआत हो चुकी थी, इस तारीख के अराउंड यहाँ पे लोगों ने गैदर करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो 3000 BC है, क्या वो 2400 BC है, क्या वो 5000 BC है? वी ऑल नो कि 3000 BC तक तो सिटी ऑफ उरुक की स्थापना हो चुकी है, एंड 2400 BC तक तो बहुत आगे, मतलब उधर मोहनजोदड़ो भी बन चुका है, तो सेटलमेंट तो पहले भी बने होंगे, सेटलमेंट पहले बने होंगे, फिर धीरे धीरे वो विलेजेस में कन्वर्ट हुए होंगे, देन उन विलेजेस से फिर टाउन्स बने होंगे। तो आप सोचिए कितना लंबा प्रोसेस है, पहले सेटलमेंट्स बने छोटे छोटे, ठीक है, फिर लोगों ने और क्लोज रहना शुरू किया, देन इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विलेजेस, एंड देन विलेजेस से, बहुत सारे विलेजेस के लोगों ने जब साथ रहना शुरू किया, अलग अलग टेम्पल्स बने, देन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टाउन। तो सेटलमेंट तो और पहले लगे होंगे ना, जब 3000 BC के अराउंड उरुक बन रहा, तो उससे बहुत पहले सेटलमेंट बनने शुरू होंगे। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 BC के अराउंड कहा जाता है कि यहाँ से सेटलमेंट बनने शुरू हो चुके थे, पीपल स्टार्टेड लिविंग देयर इन दिस एरिया। So that is the correct answer. Option C will be the correct answer. Now coming to the 42nd question. What was the name of Mesopotamian goddess of love and war? कि Mesopotamian जो देवी थी, जो युद्ध और प्रेम की देवी थी, उनका नाम क्या था? क्या उनका नाम इन्ना था? क्या उनका नाम सोफिया था? इनाना, सोफिया, वारका, या none of the above? सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स तो भी जगह बताना। जितने भी 11th क्लास के लोग देख रहे हैं, आप लोग चैट बॉक्स में तो अटेम्प्ट करें ही करें, कमेंट बॉक्स में भी अटेम्प्ट करें, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अटेम्प्ट करें। बहुत सारे लोग तो आते भी नहीं है सेशन में, जब तक सेशन शुरू नहीं हुआ था तब तक सर सेशन नहीं लेते, जब सेशन शुरू हो गया तो नीदर दे आर अटेंडिंग द सेशन, अगर वो अटेंड कर रहे तो क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करते। तो भाई ये क्वेश्चन 12th वालों के लिए या 10th वालों के लिए थोड़ा ना बनाया गया, आपके लिए बनाया गया। तो आप चैट बॉक्स में भी अटेम्प्ट करें एंड कमेंट बॉक्स में भी करें, ताकि आपका एक ट्रैक रह सके हमारे पास, ताकि हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे सकें कि भाई आपका यहाँ यहाँ गलत हुआ है, ये चीज़ आपने सही लिखी है। सो उस देवी का नाम था इनाना। सबने पढ़ा था कि भाई दो गॉड थे जिनको बहुत पूजा जाता था, एक तो सिटी ऑफ उड़ के, उड़ के कुछ दिनों बाद ये सिटी ऑफ उड़ बनता है, तो वहाँ के मून गॉड, ठीक है, चंद्र देवता, एंड एक इनाना थी जो उड़ में पूजी जाती थी, इनको प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता था। सो दैट इज सिनेरियो। एंड सदर्न मेसोपोटामिया में ही क्यों शुरुआती शहर उभर के आता है, इसका भी रीज़न हमने आपको बताया था कि जो दोनों नदियाँ हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये दोनों आके दुआब बनाती हैं, एंड यहाँ सदर्न मेसोपोटामिया में सिल्ट डिपॉजिट करके उस पूरे डेजर्ट के इलाके को फर्टाइल करेंगे। एंड चूंकि ये सब रिवर चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड थे, तो ट्रेड भी यहाँ अच्छे से हो पाता था, तो ट्रेड भी अच्छे से होता है, एग्रीकल्चर भी अच्छे से होता है, दैट इज़ वाई द स्टार्ट सेटलमेंट्स ऑफ द इनिशियल सेटलमेंट्स बिगेन इन सदर्न मेसोपोटामिया।
तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए इनाना। तो आगे बढ़ते 43वें क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेर नॉट ऑफर्ड टू द मेसोपोटामियन गॉड्स। की 5000 BC के बाद जब सेटलमेंट बनने शुरू हुए तो टेम्पल्स का भी सिलसिला शुरू होता है। छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए जाते थे, बहुत छोटे लाइक घर टाइप के। तो उन टेम्पल्स में देवताओं को कुछ चढ़ावा दिया जाता था। एंड टेम्पल में डेटी कौन होते थे? एक वही दो बहुत फेमस डेटी थी, एक तो इनाना देवी होगी एंड हमारे चंद्र देवता होंगे जो सिटी ऑफ उर के अराउंड जो सेटलमेंट्स बनते थे शुरू में, वहाँ पर बहुत इनकी पूजा की जाती थी। तो मेसोपोटामियन गॉड्स को किन चीज़ों का चढ़ावा नहीं दिया जाता था? क्या उनको कण यानी कि अनाज नहीं दिया जाता था? क्या उनको दही नहीं दी जाती थी? क्या उनको सोना नहीं दिया जाता था? क्या उनको मछलियाँ नहीं दी जाती थी? इन चारों में से किस चीज़ का चढ़ावा उनको नहीं मिलता था? ग्रेन, कर्ड, गोल्ड एंड फिश। तो हमने जब टेम्पल्स, बहुत एंशियंट टेम्पल्स, 5000 BC के बाद जो टेम्पल्स का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ से जब हमने देखा तो वी फाउंड एविडेंसेस ऑफ ग्रेन्स, हमने दही का भी एविडेंस देखा, हमने मछली की हड्डियाँ भी देखी है टेम्पल के अंदर कर्टयार्ड में। तो ऑब्वियसली इसका चढ़ावा दिया जाता होगा, इसीलिए लोग यहाँ पे लाते होंगे। लेकिन सोने को चढ़ाया जाता था ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं मिला है। सो गोल्ड वॉज नॉट ऑफर्ड टू द मेसोपोटामियन गॉड्स इन अर्लीस्ट टेम्पल्स। उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हुई हमें नहीं मालूम। 44वां क्वेश्चन, एंड ये सारी चीज़ें भी अर्लीस्ट टेम्पल से रिलेटेड है। 44वां क्वेश्चन, डैश वॉज द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन ऑफ मेसोपोटामिया। की अब देखें 5000 BC के अराउंड जब ये सदर मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स बननी शुरू हुई एंड लोगों ने टेम्पल बनाने शुरू किए धीरे धीरे, तो लोग टेम्पल बनाएंगे। एंड टेम्पल क्या होता था? टेम्पल के बनाने से वहाँ पे मर्केंट्स आके रुकते थे, चीज़ों का व्यापार लग जाता था। टेम्पल्स को ग्रेन्स वगैरह चढ़ाते थे, टेम्पल की डेटीज़ को, फिर मछलियाँ चढ़ाते थे, दही चढ़ाते थे, तो इन सब का एक भंडार बन जाता था। एंड इन भंडारों का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो टेम्पल बिकेम एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे व्यापारी वर्ग आते हैं, जहाँ पे बहुत भंडार कलेक्टेड है ग्रेन्स का जो कि वितरित किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड वहाँ पे अकाउंटेंट्स बैठते थे क्योंकि इन सब का लेखा जोखा भी होना है क्योंकि राइटिंग शुरू हो चुकी है। तो इन्हीं टेम्पल्स के अराउंड अब सेटलमेंट्स और बड़े होते गए एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द विलेजेस। तब ये विलेजेस में तब्दील हो जाते हैं एंड धीरे धीरे ये विलेजेस मिलके क्या बनाते हैं? टाउन्स बनाते हैं। तो सबसे पहला, सबसे अर्लीस्ट टेम्पल टाउन कौन सा है आपको बताना है। देखिए तीन टाइप के टाउन डेवलप हुए थे मेसोपोटामिया में। एक प्रकार का टाउन ऐसा था जो टेम्पल के अराउंड डेवलप हुआ था। एक प्रकार के टाउन ऐसे थे जो आप कह ले तो ट्रेड रूट्स के बीच में बसे हुए थे, इसलिए वो डेवलप हो पाए। एंड एक टाउन की कैटेगरी ऐसी आती थी जिनको राजाओं ने चुना एंड वहाँ पे उसको इम्पीडियली उसको डेवलप किया कि यहाँ पे हम अपनी राजधानी बनाएंगे एंड इस तरीके से उसको डेवलप किया गया है। सो हर एक टाइप के टाउन के बारे में आप पढ़ेंगे। अभी आप बेसिकली इस चैप्टर में टेम्पल टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड द टाउन्स दैट वेयर बेस्ड ऑन ट्रेड सेंटर्स उनके बारे में देखेंगे। लाइक द टाउन ऑफ मारी का टाउन बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था, हब हुआ करता था क्योंकि बीच में पड़ता है सेंट्रल मेसोपोटामिया में, एकदम यूफ्रेट्स के एकदम बीच में। तो ये एक ट्रेड हब था, इसीलिए टाउन के रूप में डेवलप हुआ। कुछ कुछ ऐसे शहर थे जो जैसे बेबीलोन का एग्जांपल हो गया, वो एक इंपीरियल कैपिटल थी इसीलिए वो एक बहुत बड़ा शहर बन पाया। लेकिन अर्लीस्ट टेम्पल टाउन की बात करें, मतलब विच गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम टेम्पल इंटू विलेजेस देन विलेजेस इंटू टाउन्स, तो उस टाउन की कैटेगरी में सबसे पुराना टाउन कौन है? तो उरुक। हमने देखा था कि उरुक वॉज एंशियंट टाउन, मोस्ट एंशियंट टाउन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तकरीबन 3000 BC के आसपास इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। इसकी जो एरिया है, शुरुआत में इसका एरिया 250 के करीब का था, धीरे धीरे और बढ़ता है। तो उरुक वॉज द एंशियंट, वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट टेम्पल टाउन ऑफ मेसोपोटामिया। उसके बाद मारी वगैरह जो ट्रेड हब वाले टाउन वो बनाए जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद इंपीरियल टाउन्स को बनाने का सिलसिला शुरू होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन, बाय 2800 BC, अभी हमने बात की है उरुक एरिया के लेके, अभी उरुक एरिया को लेके क्वेश्चन आ गया कि उरुक जो है 2800 BC तक कितने एरिया तक फैल चुका था? 2800 ईसा पूर्व तक उरुक शहर का विस्तार कितने क्षेत्रों तक हो चुका था? तो क्या 250 हेक्टेयर तक फैल चुका था, क्या 300 हेक्टेयर तक फैल चुका था, क्या 400 हेक्टेयर तक फैल चुका था, या इनमें से कोई नहीं, कोई और आंकड़ा होगा, कोई और नंबर होगा। तो 2800 ईसा पूर्व आपको ध्यान रखना है, तब तक उरुक कितने दायरे तक फैल चुका था, कितने एरिया तक फैल चुका था, आपको ये जवाब हमें कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह बताना है। तो अभी हमने आपको बताया क्या कि 3000 BC के अराउंड उरुक सिटी की स्टैब्लिशमेंट होगी, स्थापना होगी। एंड जब स्थापना हुई थी तब तक इसके पूरे सेटलमेंट्स एंड विलेजेस को मिला के 250 हेक्टेयर का एरिया बनता था, जो कि मोहनजोदड़ो के शहर से दुगुना। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर पर था। ये अलग बात है कि मोहनजोदड़ो प्लान था, जितने प्लान उरुक और उरुक के शहर नहीं थे उससे बहुत काफ़ी प्लान था, बहुत ज़्यादा इफिशियंट भी था, लेकिन एरिया की बात है तो दोगुना एरिया हो गया। तो 3000 BC के अराउंड इसका एरिया था 250। तो ऑब्वियसली जब आगे बढ़ेंगे तो और तो सेटलमेंट एक्सपैंड होगा, 250 हेक्टेयर तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 200 सालों बाद एरियाज तो ऑब्वियसली एक्सपैंड ही होंगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे। तो एरियाज एक्सपैंड होते हैं, 300 हेक्टेयर नहीं 400 हेक्टेयर तक पहुँच जाता है। सो बाई 2800 BC, 2800 BC के आसपास ये जो 3000 BC में 250 हेक्टेयर का एरिया था वो अब
400 हेक्टेयर तक ये सिटी फैल चुकी थी, तो बहुत बड़ी सिटी ये बन चुकी थी। सो द एरिया ग्रोन अप टू 400 हेक्टेयर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 46th क्वेश्चन, कि व्हाट काइंड ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर वाज प्रेवेलेंट इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के जब हम टाउन्स को देखते हैं, जब हम वहाँ के अकाउंट्स को देखते हैं, जब वहाँ के लीगल टेक्स्ट को देखते हैं, तो हमें उस टाउन्स की सोसाइटी के बारे में पता चलता है, चाहे वो उड़ की सोसाइटी हो, चाहे वो उड़ुक की सोसाइटी हो, तो हमें पता चलता है कि फैमिली कैसे थी, फैमिली कैसे सोचती थी, कैसे सुपरस्टिशियस थे, कैसे वो लोग बिहेव करते थे, उनका पैटर्न कैसा था थिंकिंग का, मैरिजेस कैसे होते थे, एंड सबसे बेसिक चीज़ कि फैमिली में कितने मेम्बर्स होते थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि फैमिली या तो न्यूक्लियर होती थी, या ज्वाइंट होती थी, या बिग फैमिली होती थी, या नन ऑफ द अबव। आपको ये बताने कि कौन सी फैमिली होती थी, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, बिग फैमिली। मेसोपोटामिया के शहरों में कौन सा फैमिली स्ट्रक्चर प्रेवेलेंट था? क्या बहुत सारे लोग ज्वाइंट फैमिली में रहता था, मतलब आपके चाचा आपके चाची सब लोग? बिग फैमिली इज बेसिकली विद द चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं एंड उनके पेरेंट्स भी हैं एंड बच्चे भी हैं। न्यूक्लियर फैमिली इज लाइक पेरेंट्स हैं एंड बस बच्चे हैं। तो मेसोपोटामिया में हमने देखा था कि पीपल वर फॉलोइंग द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, मतलब पेरेंट्स हो गए एंड एक या दो बच्चे हो गए। फिर जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनकी फैमिली में अलग जगह रहने लग जाएगी। ये अलग बात है कि कभी कभी बेटे भी अपने बाप के यहाँ, मतलब पेरेंट्स के यहाँ रहते थे। दैट वॉज नॉट ऐसा सर्टेन थंब रूल था कि नहीं रहना है, रहते जरूर थे, बट द नॉर्म वॉज कि आपको न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम मेंटेन करना है। सो द आंसर विल बी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली और बिग फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ज्वाइंट फैमिली में तो बहुत सारे अलग अलग आप कह रहे तो किन फोक्स भी आपके साथ रहे, लेकिन बिग फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स एंड देन यू, ठीक है? तो दिस इज अ सिनेरियो, ये बिग फैमिली होगा। तो मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम प्रेवेलेंट था। नाउ 47th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ गुड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स इन द स्ट्रीट ऑफ मेसोपोटामिया टाउन्स। कि मेसोपोटामिया के शहरों के सड़कों में अनाज और अन्य जरूरी चीज़ों को किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, मतलब परिवहित किया जाता था? क्या बैलगाड़ियों के माध्यम से परिवहित किया जाता था, या बोट्स के माध्यम से परिवहित किया जाता था? परिवहित मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या गधों के माध्यम से परिवहित किया जाता था, या इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई और साधन वो लोग सही यूज करते हैं। तो आपको अगर मेसोपोटामिया टाउन्स के बारे में कुछ भी पूछा जाए ऐसी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, मेसोपोटामिया टाउन्स के अंदर की ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है ना कि मेसोपोटामिया टाउन्स के बाहर, तो अंदर में बोट्स तो कतई नहीं चल सकता, ठीक है? इतनी बढ़िया सिस्टम तो हो नहीं सकती वेनिस और इटली रोम जैसी। बैलगाड़ी और गधे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो बैलगाड़ी भी इस्तेमाल की जाती थी, डोंकी भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन सड़कों में क्योंकि क्या है, जब आप ऊर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, टाउन प्लानिंग को देखेंगे, तो स्ट्रीट्स बहुत पतली हैं, बहुत पतली स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीट जो वो क्लोज्ड है, मतलब ख़त्म हो जाती है। तो अगर बैलगाड़ी जा रही है तो जो स्ट्रीट खत्म हो जा रही है वहाँ पर फिर बढ़ाने में दिक्कत आएंगी, एंड जो नैरो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर बैलगाड़ी जा ही नहीं सकती। तो जो सबसे कम्फर्टेबल मीडियम होता था इन सामानों के ट्रांसपोर्टेशन का, वो होता था गधों पर लाद के। तो जो जैसे मेरे पास कुछ सामान हमको लाना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं गधे पे लाद के लाऊंगा, या मैं किसी आदमी को दे दूंगा, वो गधे पे लाद के सामान ले आएगा। बोलो कार्ट वो जा ही नहीं सकता था, एंड बहुत सारे तो क्लोज रास्ते थे तो मुड़ाएंगे कैसे, एंड अगर मुड़ा भी लेते तो बहुत सारे नैरो लेन थे, वहाँ पे कहाँ से जा पाएंगे, इतना दूर तो अंदर इतनी चौड़ाई नहीं है कि एक बोलो कार्ट घुस सके अंदर। तो गधों का इस्तेमाल किया जाता था, खासतौर पर जो उड़ की सिटी है वहाँ तो बहुत कंजस्टेड प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग नाम की तो कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है? टाउन प्लानिंग, दे डू नॉट नो बीन अबाउट टाउन प्लानिंग, एक मुहावरा है बीन अबाउट, उनको कुछ भी नहीं मालूम, एक कौड़ी भर का दिमाग नहीं उनको टाउन प्लानिंग का। सो दैट वी कैन से इन द केस ऑफ उरुक, जब और आगे आप चीज़ें देखेंगे, ये तो आपने बस स्ट्रीट को देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत जोधपुर की सिटी भले ही छोटी थी, आप नॉट बींग रेसिस्ट कि बहुत जोधपुर यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक शहर था इसीलिए, बट बहुत जोधपुर की सिटी छोटी जरूर थी, बट यहाँ पर टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया से बहुत इफिशियंटली हुआ हुआ था एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नाउ कमिंग टू द 48th क्वेश्चन, यहाँ पे एक सिटी का टाउन प्लानिंग का मैप दिया हुआ। दिस मैप शोज द टाउन प्लानिंग ऑफ, किस शहर का टाउन प्लानिंग यहाँ पे दर्शाया गया है? क्या उरुक का, क्या मारी का, क्या सूसा का, क्या उर का? हमारे पास यहाँ पे टाउन प्लानिंग का मैप दिया गया है। आपको अभी अभी हमने एक टाउन के बारे में बताया जहाँ पे बहुत कंजस्टेड प्लानिंग होती थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो इनक्लोज हैं, बहुत सारी गलियाँ बंद गलियाँ हैं, एंड स्ट्रीट्स आर सो कंजस्टेड कि आप बुलो कार्ड भी नहीं लेके जा सकते, आपको डंकी, आपको गधों के माध्यम से सामानों को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो उड़ की सिटी थी वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी, एंड वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थे वो इनक्लोज होते थे। देखिए आप कितने क्लोज स्ट्रीट्स बनाए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर में भी उड़, यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है वो उड़ के शहर के टाउन प्लानिंग को दिखाया गया है। यहाँ पे स्ट्रीट्स बहुत पतले बनाए गए थे, ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं थी, घरों का आर्किटेक्चर बहुत अजीब टाइप से हुआ हुआ था, जो आगे चल के अभी आपको पता चलेगा। सो दिस इज द मैप ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ उड़ के अलावा जो सदर मेसोपोटामिया में एक शहर उरुक था। माड़ी जो शहर है वो हमारे पास पड़ता है सेंट्रल मेसोपोटामिया में, एंड माड़ी वॉज नॉट अ टेम्पल टाउन, ये एक ट्रेडिंग टाउन था जो ट्रेड हब के रूप में डेवलप हुआ, एंड देन इट गॉट डेवलप टू अ टाउन।
मतलब ये बीच में पड़ता था मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स रिवर के, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, व्यापारी आते थे रुकते थे, फिर व्यापारी जाते थे फिर रुकते थे। देन इट ग्रेजुअली इट स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू अ सिटी। सूसा नाम की सिटी मेसोपोटामिया में नहीं पड़ती थी, वो अड़क्टा नाम के देश के रीजन में पड़ती थी। हमने देखा था कि अजमणकर ने जब अपने दूध को भेजा था तो जब पहाड़ों पर चढ़ता तो नीचे सूसा नाम की सिटी थी जहाँ से लोगों ने उसे चूहों की तरह नमस्कार किया। चूहों की तरह मतलब बहुत छोटे दिख रहे थे वो पहाड़ी से, तो इसीलिए वहाँ पे चूहों की तरह शब्द का इस्तेमाल किया गया। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तस्वीर आपको दी गई है, ये जो स्ट्रक्चर है आपको बताना है कि ये किस स्थान को दर्शा रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे हाउस ऑफ उर, एक उर के घर को दर्शाया गया है, क्या राजा के महल को दर्शाया गया, क्या किसी लोकल शॉप यानी मेसोपोटामिया के स्थानीय दुकान को दर्शाया गया, या लेटर पीरियड के टेंपल, मतलब शुरुआती टेंपल तो 5000 BC के अराउंड बने थे, उसके बाद लेटर पीरियड में जो टेंपल्स बने होंगे 3000 BC में, 2800 BC में, 2500 BC में, उस जमाने के टेंपल्स को ये चीज़ें दर्शा रही है। तो अगर आप नेक्स्ट इस चैप्टर को सही से पढ़ा होगा एंड टेंपल्स के बारे में, महलों के बारे में, हाउस होल्ड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज गैदर की होगी तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। हाउस ऑफ पैलेस ऑफ किंग, पहली बात तो पैलेस ऑफ किंग के बारे में आपके पास जिक्र ही नहीं है अभी तक जितनी भी टाउन्स आपने पढ़ा। माड़ी में जिक्र आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा। लोकल शॉप्स हो सकती है लेकिन ये पूरा एक स्ट्रक्चर लोकल शॉप तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा तो लोकल शॉप हो नहीं सकता। हाउस ऑफ और एंड टेम्पल ऑफ लेटर पीरियड, तो हमने देखा था लेटर पीरियड में टेम्पल कैसे बनाए गए थे। शुरुआत के पीरियड में टेम्पल अमूमन हाउस के तरह ही बनाए जाते थे, अमूमन मतलब आप कह लें तो यूजुअली देवर बिल्ड लाइक हाउस की घर बना रहे, क्योंकि देवताओं को भी तो वो मानते थे टेम्पल इज द हाउस ऑफ गॉड, तो उनके लिए जैसे मेरे लिए घर है वैसे उनके लिए घर बनाना। लेकिन लेटर पीरियड में टेम्पल्स और भव्य बनाने लगे, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े गोपुरम्स बनाते थे या गेट में, वो लोग टेम्पल में स्पेस देने लगे। या कर्टयार्ड आप देख पा रहे हैं ना, ये जो आंगन है ये शुरुआती दिनों में नहीं होता था टेम्पल, बाद में उन्होंने टेम्पल्स में कर्टयार्ड बनाने शुरू किए। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल हैविंग अ कर्टयार्ड, इसीलिए ये जो है टेम्पल लेटर पीरियड के टेम्पल को दिखा रहा है। शुरुआती पीरियड में तो बहुत एक बेसिक स्ट्रक्चर होता था, जैसे घर बनाए जाते थे वैसे ही टेंपल बनाए जाते थे, लेकिन लेटर पीरियड में टेंपल में कर्टयार्ड बनाए जाने लगे, थोड़े थोड़े आप देखें ना आप रूम्स बनाए जा रहे हैं, सेवरल रूम्स वेयर मेड, क्या ताकि चीज़ों को स्टोर किया जा सके, अकाउंटेंट्स रह सके, मर्केंट्स आके यहाँ पे रुकते हैं, सामानों को बेचते हैं, तो उन सब के लिए व्यवस्था की जा सके। तो टेंपल्स ऑफ लेटर पीरियड ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सिटी ऑफ उरुक का है शायद ये। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि टेंपल ऑफ लेटर पीरियड बाद के काल का मंदिर, यानी कि उत्तर काल का मंदिर, यानी कि 2800-2500 BC के अराउंड का मंदिर। Now, which of the following inventions set the technological landmark for the Mesopotamian urban center? की निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने मेसोपोटामिया के शहरी केंद्रों के लिए तकनीकी मील का पत्थर साबित किया कि एक लैंडमार्क इवेंट हो गया, माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया इसको खोजने के बाद। क्या ब्रॉन्ज टूल्स के इस्तेमाल के साथ हमने एक तकनीकी मील का पत्थर रखा, या ब्लॉक कार्ड्स के इस्तेमाल के साथ हमने तकनीकी मील का पत्थर रखा, या कुम्हार के पहिए चाक के आविष्कार के साथ हमने एक तकनीकी मील का पत्थर रखा, नन ऑफ द अबव। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इन द बोथ कमेंट सेक्शन एंड इन द चैट बॉक्स टू। कुम्हार के पहिए, ब्लॉक कार्ड्स, ब्रॉन्ज टूल्स यूज़ किए जाते थे। हमने देखा था कि 3000 BC के बाद से ब्रॉन्ज एज शुरू हो गया है। ब्रॉन्ज टूल्स वेयर मेड, तो आप ऐसा कंफ्यूजन हो कि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ब्रॉन्ज टूल्स वेयर मेड, लेकिन ब्रॉन्ज टूल्स के आने से ऐसा तकनीकी मील का पत्थर शहरी केंद्रों के लिए, दैट इज़ प्रेटी मच कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ज़रूर थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन वॉज कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि हमारे पास स्टोरेज बढ़ सके। टाउन्स में क्या होता, आदान प्रदान ज़्यादा होता, फॉर दैट वी विल नीड पॉटरीज, फॉर दैट वी विल नीड द टूल्स ऑफ क्ले, मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मिट्टी से बनती थी। तो जब पॉटर व्हील का आविष्कार हुआ, कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ, इसलिए तो क्योंकि ब्रॉन्ज से पहले कॉपर था, तो जो चीज़ें पहले ब्रॉन्ज में यूज, जो चीज़ें अब ब्रॉन्ज में यूज की जाएंगी वो पहले कॉपर में यूज़ की जाती, जैसे हथियार पहले कॉपर से बनाए जाते थे, या टूल्स काटने वाटने वाले वो पहले कॉपर से बनाए जाते थे। तो एफिशिएंसी बढ़ी लेकिन उतनी अचानक से नहीं बढ़ी थी। लेकिन पॉटर व्हील के आविष्कार के बाद से जहाँ पे 1 घंटे में 1 घड़ा बनता था, 1 बर्तन बनता था, अभी अब एक साथ 12 बर्तन बनाए जा सकते थे, दैट वॉज पॉसिबल। ब्रॉन्ज टूल से क्या होगा, कॉपर से हमने ब्रॉन्ज पे शिफ्ट की, एफिशिएंसी तो बढ़ी गई, बट दैट इज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई या बवाल हो गया। पॉटर व्हील के बाद से पीपल वर लाइक कि दबा के प्रोडक्शन हो रहा था क्ले प्रोडक्ट का, चाहे वो आप कह लें तो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो घड़े हो, जो भी आप सोच रहे हैं सबका हो रहा था। तो इन्वेंशन ऑफ पॉटर व्हील, ये जो चाक का आविष्कार हुआ, इसने एक बहुत लैंडमार्क इवेंट डाला, लैंडमार्क एक अचीवमेंट डाला मेसोपोटामियन अर्बन सेंटर्स की हिस्ट्री में। यहीं से जो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट होकर जाने लगी बाहर, आना यहाँ से बाहर से जब सामान आते थे तो उनमें इनको स्टोर करके रखा जाता था। सो दैट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील के इन्वेंशन की बात करें या अर्बन सेंटर्स में ब्रॉन्ज टूल्स का इन्वेंशन हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि लोगों ने कॉलम्स बनाने सीखे, जैसे हमारे पास 2-3 पिलर हमने लगा दिया, ठीक है, पिलर हमने लगा दिया, अब हमने छत बनाना, तो क्या हुआ, छत को सीधे पिलर पर तो ढाल ही देंगे,
छत के ऊपर हमें कुछ डालना पड़ता है। दिस इज बेसिकली, अगर आपने 12th क्लास में देखा होगा तो रोमन एम्पायर में कुछ कुछ टाइप के कॉलम होते थे, करिंदियन कॉलम हो गए, आयोनिक कॉलम हो गया। कॉलम मतलब क्या, जो पिलर है ना उसके आपने देखा होगा इस टाइप का कुछ बनाया जाता है, फिर छत डाला जाता है। तो दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम। अगर आपको 3D में बनाई जाए तो यहाँ पे ये हमारा छत हो गया, दिस इज द छत विच इज 3D, एंड ये हमारा हो गया कॉलम, ये हमारा हो गया पिलर। ठीक है, अब ये पिलर जो है डायरेक्ट छत से तो कनेक्टेड होगा नहीं, इसका भार कितना उठा पाएगा, क्योंकि सारा भार सिर्फ फिर पिलर पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए पिलर के लोड को कम करने के लिए कॉलम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी पिलर्स को आप देखेंगे ना उसमें कॉलम्स बनाए जाएंगे, अलग टाइप के कॉलम बनाए थे। बहुत जगह पर कॉलम ऐसे भी बनाए जाएंगे, बहुत जगह पर कॉलम ऐसे भी बनाए जाएंगे, जैसे वहाँ पर हमने देखा था रोम के में, ऐसा टाइप के कॉलम भी बनाए जाते थे। तो कॉलम्स बनाने से जो ऊपर जो छत ढालने की जो परंपरा है वो शुरू हो सकती थी, क्योंकि अब जो उडेन छत है उनको तो चलो पिलर संभालेंगे, लेकिन अगर हम ब्रिक्स के छत बनाएंगे तो उनको पिलर नहीं संभाल पाएंगे, उनके लिए भी कॉलम्स बनाने जरूरी हैं। तो कॉलम्स बनाने का आविष्कार हुआ इसी एज के द्वारा, जब सिटी ऑफ उरुक को स्थापित कर रहा था 3000 BC के बाद। फिर ब्रॉन्ज टूल इस्तेमाल में लाए जाते हैं तो उससे एफिशिएंसी बढ़ी। देन पॉटर्स भी ने तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डाला था। नाउ पीपल कैन प्रोड्यूस न्यूमरस ऑफ क्ले प्रोडक्ट इन वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती थी। सो दीज वर सम 10 क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1। होप कि आपने सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जवाब दिया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, MCQs अच्छे लग रहा है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू। आप अपने दोस्तों के बीच, अपने क्लासमेट्स के बीच इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो सके, एंड आप भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में खेलेंगे, क्विजेस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। फॉर दैट यू नीड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। सो अब शुरुआत करते हैं लेवल 2 की। सो नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द लेवल 2, शुरुआत करते हैं 51वें क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ मेसोपोटामिया, सबसे प्राचीनतम मंदिर जो 5000 BC के बाद बनाए गए थे सदर मेसोपोटामिया में, उनके संबंध में यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखा गया कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला, द अर्लीस्ट टेम्पल्स वेर मेड विद अनबेक्ड ब्रिक्स, की प्राचीनतम जो मंदिर है वो कच्ची ईंटों से बनाया गया था। अर्ली टेम्पल्स वेर बिल्ट इन डिफरेंट पैटर्न, मतलब जो घर बनाए जाते थे उनकी तुलना में जो प्राचीनतम मंदिर थे थोड़े से अलग बनाए गए थे। टेम्पल्स ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इट्स एक्टिविटीज, जो मंदिर हैं उन्होंने धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, एंड अल्टीमेटली दे बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। उसके बाद द प्रीस्ट ऑफ टेम्पल वॉज द थियोरेटिकल ओनर ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड एंड फिशरीज, के जो मालिक होता था कृषि क्षेत्रों का उस टेम्पल के अराउंड, जितने भी सेटलमेंट्स हैं उनके कृषि क्षेत्र हो गए, उनके मछलियाँ हो गई, उनके चढ़वा उनके रेवड़ हो गए, ठीक है, उन सब का जो मालिक होता था वो प्रीस्ट होता था, पुजारी होता था टेम्पल का। इन चारों में से कौन सा कथन सही है, चारों ही स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ना है, एंड हैव पेशेंस। 11th क्लास में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की, किसी स्किल की है, दैट इज़ पेशेंस। आप लोग चाहते हैं कि भाई तुरंत क्वेश्चन हो, तुरंत आंसर हो, तुरंत खत्म हो जाए, सारी चीज़ें तुरंत खत्म हो जाए। फॉर दैट जब आप 12th में आएंगे तो आपको अचानक से शॉक लगेगा, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ब्रॉड है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी रील्स वगैरह देख के आपका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, इसको आपको ब्रॉड करने की ज़रूरत है, बिकॉज अटेंशन स्पैन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बढ़िया आपका फोकस रह पाएगा। ठीक है, योर फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप कर पाएंगे लाइफ में, एंड उतना ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है कौन कौन से कथन सही है, क्या केवल पहला कथन सही है, पहला और तीसरा दोनों सही है, पहला तीसरा चौथा तीनों ही सही है, या दूसरा चौथा दोनों ही, दो स्टेटमेंट केवल सही है। आपको बताना है सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपको गलत जवाब आता है गलत जवाब दें, कोई ज़रूरी नहीं है सही देने की, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जवाब दें। वट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। फॉर दैट, क्योंकि आपका हेजिटेशन टूटेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि चलो यहाँ या मेरी गलती है थोड़ी सी, यहाँ या मैं थोड़ा सा वीक हूँ, तो वहाँ वहाँ आप जाके फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर पहले स्टेटमेंट शुरुआत की जाए तो पहला स्टेटमेंट जो है, यानी कि जो मंदिर शुरुआत के बनाया गया था वो कच्ची ईंटों से बनाया गया था, दैट इज़ करेक्ट। शुरुआत के मंदिर कच्ची ईंटों से बनाया गया था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। पहले स्टेटमेंट का सिर्फ किस ऑप्शन में, ए बी सी, तो या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी कार्ड हो गया। उसके बाद अली टेम्पल्स वर बिल्ट इन डिफरेंट पैटर्न एज कम्पेयर टू हाउसेज, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमने आपको पीछे भी बताया कि शुरुआत को जो टेम्पल बनाए गए थे वो पूरे हाउस के तरह बनाए गए थे। अमूमन जो टेम्पल बनाए जाते थे शुरुआत के, ऑल ऑफ द टेम्पल्स वेयर आइडेंटिकल ऑफ द हाउसेज, क्योंकि उनका मानना था कि टेम्पल्स क्या भगवान का घर है, तो हम घर के तरह ही बनाएंगे उनको, कोई क्राइटेरिया वगैरह कुछ भी नहीं होता था, छोटा सा आप समझ लें क्राइटेरिया होता था, कोई ज़्यादा रूम्स वगैरह नहीं बनाया जाता था। लेकिन आपने पीछे जो देखा उरुक के यहाँ लेटर एज का टेम्पल, उसमें देखे कितने कितने रूम्स बनाए गए अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो अली टेम्पल्स वेर बिल्ट लाइक हाउसेस, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया।
टेम्पल्स ग्रेजुअली इंक्रीज दियर एक्टिविटीज एंड डेवलप्ड एज मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। हमने देखा कि टेम्पल में शुरुआत में क्या होता था, चढ़ावा आता था, धीरे धीरे चढ़ावा और आता गया, स्टोर होता गया, स्टोर होकर फिर वो लोगों के बीच वितरित होता था। फिर वहाँ लोगों ने आके श्रद्धा दिखाना शुरू किया, तो जब लोगों का जमावड़ा लगता था तो मर्केंट्स आके अपना सामान बेचते थे। मर्केंट्स वहाँ आने लगे तो फिर अकाउंटेंट्स भी वहाँ आने लगे। जब सामानों का वितरण होगा, सामानों का आदान प्रदान होगा, वहाँ पर लेखन जोखन तो जरूरी है। अकाउंटेंट्स रहने लगे, प्रीस्ट रहने लगे, आप कहें तो मर्केंट्स रहने लगे, एंड सेटलमेंट भी अब टेम्पल्स के अराउंड और क्लोज बनाए जाने लगे। तो धीरे धीरे दीज टेम्पल्स बिकेम द सोर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट अर्बन इंस्टीट्यूशन बन चुका था। सो मंदिर धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को एक्सपैंड करता है धीरे धीरे, एंड सून इट ग्रेजुअली डेवलप एज द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। की सबसे इंपॉर्टेंट अर्बन इंस्टीट्यूशन तो टेम्पल ही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो या तो हमारा आंसर बी होने वाला है, सी होने वाला है, एक को डिस्कार्ड कर दें। चौथा स्टेटमेंट इज गलत। थियोरेटिकल ओनर जो होता था, चाहे जितनी भी लैंड हो, जितने भी फिशरीज हो, जितने भी जानवर हो, माल जाल हो, सबका ओनर कौन होता था? टेम्पल की डेटी। अगर वहाँ पे इनाना डेटी है तो वो होंगी, अगर वहाँ पे चंद्र देवता उनके तो वो होंगे। टेम्पल के प्रीस नहीं होते थे, टेम्पल की डेटी यानी कि देवता होते थे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, बचा कौन सा? केवल वन और थ्री, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें क्वेश्चन को देखते हैं। मेसोपोटामिया के गांवों के प्रमुखों के संबंध में, मतलब चीफ्स ऑफ द मेसोपोटामियन विलेजेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? चीफ्स मतलब जो लोगों को लीड करते थे। पहला स्टेटमेंट कि जो चीफ्स जीतते थे वो लड़ाइयों में जीते थे, तो लड़ाइयों से जो उनको लूट मिलता था उनको अपने अनुयायियों में, अपने फॉलोअर्स में, अपने सपोर्टर्स में बांट के वो उनको खुश कर देते थे। दूसरा स्टेटमेंट कि द विक्टोरियस चीफ्स ऑफर्ड बूटी टू गॉड्स। विजयी सरदारों ने जो चीफ्स जीते थे लड़ाइयों में तो उनको बूटी, मतलब जो युद्ध से रकम उनको हासिल होती थी, शेडो को लूटने के बाद, जो डिफीटेड कैपिटल है उनको लूटने के बाद, डिफीटेड पॉपुलेशन उनको लूटने के बाद, उनको ऐसा नबूद करने के बाद, तो उस लूट को वो देवताओं को चढ़ाते थे, एंड उसी पैसे से मंदिरों को भी ब्यूटीफाई करते थे दूर दराज देशों से स्टोन्स वगैरह मंगा के। सेकेंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड स्टेटमेंट इज कि दे नेवर अलाउड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंपल वेल्थ एज इट वाज सीम्ड एज बैड ओमेन। उन्होंने कभी भी मंदिर के संपत्ति के वितरण की अनुमति नहीं दी क्योंकि यह एक अपशकुन के रूप में प्रतीत होता था। ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में दोनों ही जगह पे हमें बताना है। क्या पहला दूसरा दोनों सही है, पहला तीसरा दोनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, या केवल पहला सही है? पहले स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़े एंड चीज़ों को रिमाइंड करने की कोशिश करिए, रिमाइंड करने की कोशिश करिए कि भाई चीफ्स जो थे वो कैसे बिहेव करते थे। लड़ाई तो करते थे, वॉरफेयर वाज वेरी प्रेवलेंट, क्योंकि होता क्या था कि जैसे जो नदियां हैं यूफ्रेट्स ऊपर से आ रही है तो बहुत अलग अलग रीजन से भी वॉरफेयर होते थे। जो गांव ऊपर पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्रों में लोकेटेड है वो बहुत ज़्यादा कचरा डाल देते थे या गादों को साफ नहीं करते थे, तो नीचे जाके पानी जम जाता था एंड पानी नीचे उतर ही नहीं रहा। कभी कभी पूरा गाद साफ कर दिया एंड बहुत ज़्यादा ही साफ हो गया तो बाढ़ आ गया नीचे। तो इस रीज़न से ये सारे रीज़न की वजह से ऑफन कंफ्लिक्ट होते थे अलग अलग विलेजेस के बीच, एंड अलग अलग विलेजेस की आर्मी, उनके सरदार वगैरह लड़ाई करते थे। जब लड़ाइयाँ होती थी जो उनको जो लूट मिलता था, लूट मतलब वॉर से जो उनको रकम हासिल होती है चीज़ों को लूटने के बाद, उनको वो अपने सपोर्टर्स में बांटते थे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि वो जो लूट मिलता था उसको देवताओं को भी ऑफर करते थे, टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करवाते थे दूर दराज देशों से प्रीशियस स्टोन्स मंगा के, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पीपल उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ लीडर, ठीक है। जब चीफ्स परमानेंट तब बनने लगे, चीफ पहले भी अपने सपोर्टर्स के बीच जो पैसा वैसा बांटते थे, लेकिन इससे उनका कोई भला नहीं होता था। अल्टीमेटली कोई नया चीफ आता था उनको सुपरसीड कर देता था। उसके बाद चीफ ने सोचा कि सबसे ज़्यादा जो रेवरेंस जुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा श्रद्धा जुड़ी हुई है लोगों की, वो टेम्पल्स से है, देवता से, तो हमें उनके लिए काम करना पड़ेगा, तब हम कम्युनिटी के लिए डायरेक्टली काम कर पाएंगे। तो उन्होंने देवताओं पर ध्यान देना शुरू किया, उनको चढ़ावा देना शुरू किया, टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करवाना शुरू किया, दूर दराज देशों से स्टोन्स, लैपिस लाजुली वगैरह ये वो मंगा के उनको ब्यूटीफाई करवाते थे, एंड लोगों को लगता था कि ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके से चीफ्स अपनी पोजीशन को सुदृढ़ करने के लिए इन बूटीज को गॉड्स के बीच ऑफर करते थे एंड ब्यूटीफाई करवाते थे। सो विजय सरदारों ने देवताओं को लूट की पेशकश की, ये सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तुम्हारे पास या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा, बी और डी तो ऐसे ही हटा दें। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टेम्पल का जो वेल्थ था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था समय आने पर, क्योंकि बहुत सारा भंडार वहाँ पे एकत्रित हो गया ना, ग्रेन्स का भंडार एकत्रित हो गया है, स्टोन्स का, प्रीशियस मेटल्स का भंडार एकत्रित हो गया है, तो ऑब्वियसली इनको कभी ना कभी वितरित तो किया ही जाएगा। एंड ये जिम्मेदारियाँ चीफ्स की होती थी, सरदारों की होती थी कि ये जो आप वितरण करेंगे वो बहुत इवन होना, बहुत ज़्यादा जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक सही डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता था टेंपल का, टेंपल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हेयर ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड टू। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट, पहला और दूसरा कथन जो है वहाँ पे वो सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन यहाँ पे तीन चार स्टेटमेंट्स दिएगा।
द सिटी ऑफ उरुक केम टू हैव अ डिफेंसिव वॉल अराउंड इट, कि उरुक शहर के चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार बन गई। एंड राजाओं के लिए, टेम्पल्स के लिए काम करना लोगों के लिए अनिवार्य था, कंपल्सरी था, उसको छोड़ नहीं सकते थे। तीसरा कि जो काम करते थे लोग टेम्पल्स में राजाओं के लिए, उनको राशन दिया जाता था, फूड ग्रेन्स वगैरह दिया जाता था। देन बाई अबाउट 2800 BC जो उर शहर है वो 400 हेक्टेयर तक फैल चुका था। सो इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बताना है। उरुक शहर के अराउंड वॉल बना दी गई, मंदिर और राजाओं के लिए काम करना अनिवार्य था, यू कैनॉट स्किप दैट। वर्कर्स जो काम करते थे चाहे मंदिरों के लिए राजाओं के लिए, उनको राशन दिया जाता था, खाने वगैरह दिए जाते थे, मेडिसिन वगैरह वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। चौथा स्टेटमेंट कि 2800 ईसा पूर्व तक जो उर शहर है वो 400 हेक्टेयर का हो चुका था। इन चारों में से जो सबसे लास्ट का स्टेटमेंट है वो तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि 2800 ईसा पूर्व तक जो उरुक शहर था वो 400 हेक्टेयर का था, ना कि उर शहर। उर शहर के बारे में तो बताया भी नहीं गया कि कितना एरिया था उसका। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसीलिए जो बी ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे चौथे स्टेटमेंट को मेंशन किया गया। थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि उरुक शहर को ना धीरे धीरे फोर्टिफाई करा गया, उसको उसके अराउंड एक डिफेंसिव वॉल बनाई गई ताकि जो बाहर की सेना उसे प्रोटेक्ट हो पाए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नाउ दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मंदिर और राजाओं के लिए काम करना अनिवार्य था, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। लोगों के लिए टेम्पल्स के लिए काम करना या मंदिरों के लिए काम करना, जो लोकल्स होते थे उनके लिए भी, जो वॉर कैप्टिव्स बनाए के जाते थे, मतलब हमने किसी देश पे चढ़ाई करी और वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे राजा को उड़ा दिया, उसकी आर्मी को ख़त्म कर दिया, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, वॉर कैप्टिव्स के रूप में जकर के अपने आ ले आएंगे एंड उनसे दिन रात काम करवाएंगे। तो वॉर कैप्टिव्स भी एंड जो कॉमन पॉपुलेशन थी वो भी, दोनों मिलकर काम करती थी टेम्पल्स के लिए भी, राजा के पैलेसेस में भी। तो ये बहुत कंपलसरी था, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इवन आप एक क्षण के लिए एग्रीकल्चरल टैक्स ना दें तो भी चलेगा, लेकिन काम करना आप बंद नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, या तो हमारा आंसर ए होगा या आंसर टू, आंसर सी होने वाला। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए तो ये भी सही है कि राशन लिस्ट हमें बहुत जगह पे मिली है, जो टैबलेट्स है ना मेसोपोटामिया टैबलेट्स, उसमें बहुत जगह जिक्र है कि किन किन किसके आदमी को किस काम के लिए राशन दिया गया है, उसके जगह का भी नाम मेंशन है। तो श्रमिकों को राशन के साथ भुगतान किया जाता था, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, जो काम करता था ना टेम्पल्स वगैरह में उनको। तो 1, 2, 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। 54वें क्वेश्चन को अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिटी ऑफ उर आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैं बोला यहाँ पे, जो गलत स्टेटमेंट है उनको चुनना है। उर शहर जो है वो एक्सेलेंट टाउन प्लानिंग का एग्जाम्पल था, ड्रेन्स वेयर मेड एडजेसेंट स्ट्रीट्स टू प्रोवाइड अ बेटर सीवेज, की बेहतर सीवेज प्रदान करने के लिए नालियों को बगल की गलियों में बनाया गया था, मतलब ठीक रोड के बगल में बनाया गया था। द विंडोज ऑफ हाउस प्रोवाइडेड गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर द हाउस होल्ड, की जो खिड़कियाँ थी वो अच्छे खासे मात्रा में सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती थी हाउस होल्ड में, मतलब घर के अंदर। उसके बाद टाउन सेमेट्री वॉज देयर, जहाँ पे उर के जो लोग थे वो दफनाए जाते थे, चाहे वो रॉयल्टी से बिलोंग करते हो, राजा की फैमिली से बिलोंग करते हो, या कॉमनर्स हो, आम लोग, सबको वहीं पे दफनाया जाता था। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको चुनना है, ए बी सी डी सही जवाब आपको चुनना है। एक एक करके स्टेटमेंट देखें एंड लॉजिकली जो भी चीज़ें आपने उर के बारे में पढ़ी है, जो भी हमने वही शॉर्ट में पढ़ा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो उर शहर उत्कृष्ट नगर नियोजन का एक उदाहरण था, हमने देखा था कि उर शहर में कितनी कंजेस्टेड टाउन प्लानिंग है, स्ट्रीट जो है वो क्लोज है, आप बोलो कार्ड्स लेके नहीं जा सकते, तो कहाँ से आप टाउन प्लानिंग का एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल बता रहे हो उर को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ड्रेन्स वेयर मेड एडजेसेंट स्ट्रीट्स, मतलब जो ड्रेन्स थे वो स्ट्रीट्स के एडजेसेंट बढ़ाए जाते थे ताकि एक सीवेज बढ़िया से हो सके, मतलब अच्छे से जो हमारे यहाँ नाले कैसे बनाए जाते हैं रोड के किनारे में, ताकि जो कचरा वो अच्छे से फ्लो कर सके, मतलब सब घरों का कचरा एक साथ एकत्रित होकर फिर वो डिस्पोज कर दिया जाए। लेकिन उर साइड में ऐसा कुछ भी ड्रेनेज का या सीवेज सिस्टम हमने नहीं देखा है, वहाँ तो स्ट्रीट ही बहुत कॉम्पैक्ट बनाया गया, बहुत कंजेस्टेड बनाया गया, तो सीवेज की तो बात ही छोड़ दें। तो ड्रेन्स वेयर मेड एडजेसेंट टू स्ट्रीट्स प्रोवाइड अ बेटर सीवेज, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देन थर्ड स्टेटमेंट द विंडोज ऑफ हाउस, पहली बात तो विंडोज को खुला छोड़ा नहीं जाता था, ठीक है, और जो हाउस होल्ड में सनलाइट आता था वो कैसे आता था, जो कर्टयार्ड हर एक घर में, उर के हर एक घर में कर्टयार्ड बनाया जाता था, तो जब सन ऊपर होता था तो कर्टयार्ड में रोशनी आती थी, एंड लोग क्या करते थे जो घर के अंदर के दरवाजे हैं उनको खोल लेते थे, ठीक है, जो अंदर की तरफ खोलते हैं ना दरवाजे, उनको खोल लेते थे, तब उनके घर में रोशनी जाती थी, ना कि खिड़कियों के थ्रू। खिड़कियाँ खोलने का रिवाज उर में नहीं था, क्योंकि वो प्राइवेसी का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बताता था। द विंडोज वेर नॉट ओपेंड, कभी विंडोज को खोला नहीं जाता था, तो सनलाइट कहाँ से आएगा, थर्ड स्टेटमेंट बी वाला था। चौथा स्टेटमेंट इज करेक्ट कि उर में एक कब्रिस्तान था, जहाँ पे रॉयल्टी के लोग हो चाहे कॉमनर, उनको भी दफनाया जाता था, कभी कभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों के साथ भी दफनाया गया, जो रॉयल्टी के लोग हैं उनको अलग अलग प्रीशियस चीज़ों के साथ, वेपन्स के साथ, धन दौलत के साथ भी दफनाया गया। सो टाउन सेमेट्री वॉज देयर, ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो सही है। तो हेयर वी हैव 3 स्टेटमेंट एज इनकरेक्ट, ये जो पहला दूसरा तीसरा है ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी आवर
करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं 55वें क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पे एक तस्वीर है आपके सामने, ये मेसोपोटामियन सीज की तस्वीर है, मेसोपोटामियन मुहरों की तस्वीर है। एंड इन मुहरों का इस्तेमाल, जैसे ये जो सिलेंड्रिकल मुहर है ना, ये है मेसोपोटामियन मुहर, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल मुहर है इसको आप जब खोलेंगे तो ये एक आकृति को दिखाते हैं, तो ये जो आकृति का उसको यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाया गया है ताकि आप समझ पाए कि इस सील पे किस टाइप की आकृति बनी हुई, इस सील पे ये आकृति बनी हुई, इस सील पे ये आकृति बनी हुई, ये आकृति अभी के बनाई, छोटा सा उन्होंने लकड़ी का पट्टा बना लिया उस पर आकृति बना ली है। तो ये जो मेसोपोटामियन सील्स है उनका इस्तेमाल, जैसा आज हम लोग मुहरों का इस्तेमाल करते हैं ना ठप्पा लगा दिए, वैसे ही उस जमाने में भी होता था, जो कंसाइनमेंट है उनके ओपनिंग्स में, मतलब जो कपड़े से बांधे जाएंगे तो उन कपड़ों पे ये जो मुहर है उनको एक बार लपेट के चला दिया रहता था, ठीक है, इंक भिंगो के, तो प्रॉबेबली वो लोग क्या करते होंगे, ऐसे वो चीज़ें छप जाती थी एंड लोगों को पता चल पाता था कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं एंड किसके सामान, किसकी किसकी तरफ से आई है, किसका सामान है। सो द मटेरियल्स यूज टू मेक मेसोपोटामियन सील्स, किस मटेरियल का इस्तेमाल होता था, क्या मिट्टी से सील्स बनाए जाते थे, क्या लोहे से बनाए जाते थे, क्या पत्थर से बनाए जाते थे, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो सील्स उनका इस्तेमाल हमने आपको बता दिया ना, मेसोपोटामिया में क्या था, अलग अलग सील्स ही बनाए जाते थे, इनमें सील से एक है एंड उनको एक तो आपने अगर कुछ लेटर वगैरह लिखना है तो आपने जब लेटर लिख लिया फिर मतलब वही टैबलेट, फिर उसको एक बार चिकना है मिट्टी तभी आप घुमा दें, क्योंकि मिट्टी चिकनी है तो आप इन सील्स को घुमाएंगे तो ये जो निशान है वो तो उस पर छप जाएंगे ना, फिर जब ये मिट्टी के टैबलेट्स टाइट हो जाएंगे पूरी तरीके से, आप इनको जब ड्राई कर देंगे तो वो निशान भी पूरी तरीके से कार्ड आउट दिखेंगे, तब वो जब टैबलेट्स पहुंचेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये पत्र कहां से आया है एंड इसका क्या रिलेवेंस, क्या इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। तो इस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो किस मटेरियल का इस्तेमाल करा जाता था मेसोपोटामियन सील्स को बनाने के लिए, तो स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। ये जितने भी सील्स आप देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल सील, पहली बात तो मेसोपोटामिया में ये सिलेंड्रिकल सील्स होते थे, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है तो अभी आपको दिखाने के लिए बनाया गया कि ये जो सील है ना इसमें आप पूरा अगर खोलेंगे तो कहां तक कैसी चित्रकारी की गई, तो ऐसी चित्रकारी की गई है, ठीक है, अगर आप इसको घुमा दें तो ऐसा सिलेंड्रिकल सील बन जाएगा। तो सिलेंड्रिकल सील जितने भी वो पत्थर से बनाए जाते थे ताकि इस, तब तो चिकनी मिट्टी पे जब हम इनको रोल करेंगे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें छप जाएंगी वहाँ पे, सो पत्थर से सील्स बनाए जाते थे। द स्टोन वॉज यूज टू मेक द मेसोपोटामियन सील्स एंड फिर इसका इस्तेमाल ट्रेड में या अकाउंटिंग वगैरह में किया जाता था। तो इस हिसाब से हमारा लेवल 2 खत्म होता है, अब शुरू करते हैं लेवल 3 को। होप कि आपने लेवल 2 में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा एंड अब चलते हैं लेवल 3 की तरफ। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द लेवल 3, लेवल 3 से शुरुआत करते हैं एंड यहाँ पे आपके सामने 56वां क्वेश्चन ये है कि एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है। द पीपल ऑफ उर रेज्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ देयर हाउसेज इन ऑर्डर टू गेट मोर वेल्थ, कि उर के लोगों ने अधिक धन प्राप्त करने के लिए अपने घरों की दहलीज उठाई, मतलब जो थ्रेशोल्ड चौखट होती है उनके घर की उसको उठा लिया, थोड़ा सा ऊपर करवा लिया। देन द उर सिटी वॉज फुल ऑफ सुपरस्टिशियस पीपल, की उर शहर अंधविश्वास के लोगों से भरा हुआ था। इन दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली देखना है, पहले आपको सत्यता की जाँच करनी है कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों सही है देन ए या बी में से कोई आंसर होगा, अगर दोनों में से कोई भी गलत है देन सी आर डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, अगर दोनों सही है देन यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है वो एसेंशियल के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो एसेंशियल का स्टेटमेंट क्या कहता है, द पीपल ऑफ उड रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ देयर हाउसेज इन ऑर्डर टू गेट मोर वेल्थ। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन द चैट बॉक्स एंड द कमेंट बॉक्स। उर के लोगों ने थ्रेशोल्ड बढ़ाई, अपनी चौखट को, अपनी घरों की दहलीज को उठा लिया धन प्राप्ति के लिए, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है बिकॉज दे बिलीव कि ऐसा करने से उनको ज़्यादा धन मिलेंगे। रीजन का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि दे वे सुपर स्टीचियस, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी लोग वहाँ भरे हुए थे, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, देन या तो ए होगा या बी होगा। अब देखना है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है क्या एसोसिएशन के स्टेटमेंट को वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या रीजन के स्टेटमेंट पे एसोसिएशन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है। सबसे पहले ये जो चीज़ है कि वो अपने घरों की दहलीज को उठाते थे, ये जाहिर सी बात है अंधविश्वास का ही एक नमूना है, तो एक्सप्लेन तो कर रहा है एंड डिपेंडेंट भी है। अगर उर के लोग सुपरस्टिशियस नहीं होते, रीजन में क्या दिया, उर के लोग सुपरस्टिशियस थे, उर शहर के लोग अगर अंधविश्वासी नहीं होते तो वो लोग कभी भी अपने घरों की दहलीज को नहीं उठाते। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम करते थे वो लोग, घर के दरवाजे को अंदर खोला हो, या बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि उन्होंने अपने घर के अंदर ही दफना दिया था अपने लोगों को, तो सिमेट्री थी, टाउन सिमेट्री एक हुआ करती थी, लेकिन बहुत सारे लोग की हमने जो कब्र है वो घर के अंदर भी मिली है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्टिशंस की किस तरीके के सुपरस्टिशियस लोग रहा करते थे। तो जो आंसर होगा दैट विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि अगर उनके लोग सुपरस्टिशियस नहीं होते तो कभी भी वो अपने घरों की दहलीज को नहीं उठाते, ठीक है। द पीपल वो दहलीज उठा लेते थे वेली बिकॉज की वो ज़्यादा वेल्थ मिलेगा उनको, ये सारी चीज़ वो मानते थे, ये सारे शगुनों में वोमेंस में वो लोग बिलीव करते थे। नाउ 57वें क्वेश्चन पे देखते हैं, ये अगेन एक सोशल रीजन का क्वेश्चन है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट द विलेजेस वेर पीरियोडिकली लोकेटेड रीलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री, कि पुरातत्विक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि समय समय पर जो मेसोपोटामिक विलेजेस हैं वो डिलोकेट किए जाते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ,
रीजन क्या है कि चैनल ऑफ रिवर समटाइम्स ब्रॉट फ्लड विद देम और समटाइम्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि नदी की धारा कभी कभी अपने साथ बाढ़ लेके आ जाती थी, कभी कभी प्रवाह की दिशाएं बदल लेती थी। इन दोनों में से सबसे पहले अगेन आपको सत्यता की जांच करनी है, कौन सही है कौन गलत है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट। एंड अगर दोनों सही है देन आपको ये पता करना है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो assertion के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कि क्या रीजन के स्टेटमेंट पे assertion का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है या नहीं है। तो assertion के स्टेटमेंट को देखें, रीजन के स्टेटमेंट को देखें, पहले सत्यता की जांच करें, फर्स्ट ट्राई टू चेक द ऑथेंटिसिटी कि कौन गलत है कौन सही है, देन आगे की चीज़ों में आप प्रोसीड करें। तो assertion का स्टेटमेंट, होप कि आपने अभी तक जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में। assertion का जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि हमें पीरियडिकली ये देखने को, हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि समय समय पे मेसोपोटामिया के जो विलेज थे वो स्थानांतरित होते रहते थे, यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। रीजर का स्टेटमेंट भी सही है कि कभी कभी क्या होता था कि रिवर ना बहुत ज़्यादा बाढ़ लेके आ जाते थे, जब बाढ़ आ गया तब तो उनको रिलोकेट करना ही पड़ेगा, माइग्रेट करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या है कि वो लोग रिवर यहाँ हैं एंड वो लोग रिवर के किनारे रहना ताकि रिसोर्सेज आसानी से मिल जाए। अब रिवर ने अपना रास्ता ही बदल लिया, अब रिवर क्या है यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ तक तो आती है लेकिन वो बदल ली, तो अब क्या होगा, इनको अपना स्थान फिर से रिलोकेट करके यहाँ आना पड़ेगा। सो दीज वर सम रीजंस, इसके वजह से जो है मेसोपोटामिया विलेजेस को, वहाँ के लोगों को बार बार रिलोकेट करना पड़ता था, बार बार खुद को स्थानांतरित करना पड़ता था। सो यहाँ पे ए एंड आर दोनों सही भी हैं एंड आर सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। एक तो फ्लड कारण था, एक हमारे पास डायरेक्शन फ्लो था, एक और कारण था कॉन्स्टेंट वॉरफेयर। हमने आपको बताया था कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंड रिसोर्सेज की ग्रीड की वजह से लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे, इसके लिए भी बहुत सारे विलेजेस एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे एंड दे ट्राई टू रिलोकेट देमसेल्व्स, वो हमेशा खुद को रिलोकेट करना चाहते थे लोग वहाँ के, तो एक रीज़न ये भी था। लेकिन यहाँ पे दो रीज़न बताए गए तो ऑलरेडी यहाँ पे जो रीज़न का स्टेटमेंट है वो assertion के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जर्प्ट है, विवाह की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी, यहाँ पे उर्स शहर के सोसाइटी के बारे में बताया गया, द डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी एंड उसके बाद जो माता पिता के वधु के माता पिता ब्राइड के पेरेंट्स हैं वो कंसेंट देते थे, यानी कि स्टार छपाया जाता होगा, प्रॉबेबली लोग आते होंगे एंड अप्लाई करते होंगे, देन उनमें से एक लड़का चुनाया जाता होगा। देन अ गिफ्ट वॉज गिवन बाई द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड्स पीपल, की जो वर पक्ष के लोग हैं वधु पक्ष के लोग कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्में पूरी हो जाती थी तो दोनों पक्ष के तरफ से उपहार का आदान प्रदान होता था, फिर दोनों बैठ के साथ में खाना खाते थे, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते थे एंड जब सास जो है वो अपनी बहू को लेने आती थी, नववधू को लेने आती थी, तो नववधू चूंकि अपने पिता की तरफ से उनकी जायदाद के हिस्से के मालिक है, उनको उनका इनहेरिटेंस का शेयर दिया जाता था। सो व्हेन हर मदर इन लॉ कम टू फेच हर, द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय हर फादर, कि उनको अपने इनहेरिटेंस का शेयर मिलता था। महिलाओं को ऐसा नहीं कि जायदाद से सीधे बेदखल कर दिया गया, जैसा हमने अर्ली स्टोरी पीरियड में देखा, हमारे स्मृति में कहा जाता था कि महिलाओं को जायदाद नहीं दो, महिलाओं को इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं दो, लेकिन यहाँ पे तो हमें मिलना, यहाँ पे तो महिलाओं को शादी के वक्त उनके जो पिता हैं वो अपनी जायदाद में से हिस्सा देते हैं जितना भी उनका बनता होगा। सो दैट इज़ अ सिनेरियो। हु यूज़ टू बी द हेड ऑफ फैमिली, परिवार का मुखिया कौन होता था, अभी हमने सोसाइटी के बारे में बात की है। कभी कभी क्या है, एग्जर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे अभी परिवार के बारे में बात हो रही है, सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है, तो इसी किताब में इसी एग्जाम से थोड़े एक दो लाइन पीछे बताया गया है कि परिवार को कौन हेड करता था। तो इसीलिए जब आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं देन कीप इन माइंड कि जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सोर्स से ही आएंगे, सोर्स से रिलेटेड भी टॉपिक अगर किताब में आपके दिया हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे सोसाइटी के बारे में चर्चा की गई है, मैरिज के बारे में चर्चा की गई है, तो हमने आपसे पूछ लिया परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होते थे, दादा होते थे, माँ होते थे, भाई होते थे। दादा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं। मैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट तो हमने कभी देखा नहीं है, तो मैट्रियार्कियल सोसाइटी वो थी नहीं थी। दादा पिता भाई में दादा कैन भी, लेकिन क्या है ना कि वो लोग न्यूक्लियर फैमिली रहती थी तो कभी भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो लोग रहेगी ही नहीं, तो दादा कैन नॉट बी द आंसर, ग्रैंड फादर कैन नॉट बी द आंसर। देन फादर और भाई में तो ऑब्वियसली फादर ही फैमिली को हेड कर सकता है, Father used to be the head of family. So the correct answer will be father. Now 59th question पे जाते हैं, which of the following statements regarding the marriage is incorrect? तो शादी के बारे में भी आपने चीज़ें पढ़ी, उनमें से कौन सा कथन यहाँ पे जो नीचे दिया गया वो कथन गलत है। The gifts were exchanged during the marriage, की शादी के दौरान उपहारों का आदान प्रदान होता था, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता था शादी के दौरान, उसके बाद दुल्हन को पिता से विरासत का हिस्सा मिलता था, मतलब इनहेरिटेंस मिलता था। नन ऑफ द अबव, अगर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो आपको नन ऑफ द अबव को अपना आंसर चुनना है। तो विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है विवाह के संबंध में? शादी के दौरान उपहारों का आदान प्रदान होता था, हमने देखा था कि जरूर होता था, सबसे पहले तो ग्रूम वाले देते थे, फिर शादी के बाद ब्राइड वाले ग्रूम वाले दोनों एक दूसरे को देते थे, तो आदान प्रदान तो होता ही है। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता था, ये भी होता था एंड इसके बाद दुल्हन को पिता से विरासत का हिस्सा मिलता था, ये भी होता था। जब जो नववधू है, जब वो ब्राइड है, जब उनको लेने के लिए आते थे लोग, तो जो उसके फादर है वो इनहेरिटेंस में जितना उनका हिस्सा बनता है वो उनको देते थे, अपनी जायदाद में से हिस्सा निकाल के देते थे।
तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, तो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। बहुत रेयरली हमारा नन ऑफ द अबव आंसर बनता है, सो यहाँ पे द आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सारे ही सही हैं, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। अब यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैदी है, 1, 2, 3, 4 कैदी हैं। एक यहाँ पे ये भी कैदी लग रहा, ये गुजारिश शायद कर रहा, एंड ये शायद इन सारे मुहाफिजों का, जो ये मुहाफिज जो सैनिक है उनका सरदार है। आपको ये बताने कि इस सरदार के पास एक भाला आप देख पा रहे हो, यहाँ एक हथियारबंद व्यक्ति को भाले के साथ दिखाया गया, ये जो भाला आपको दिखाया गया, आपको बताने कि भाले की नोक को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता हो, किस मटेरियल से इस भाले की नोक को बनाया जाता होगा। प्रॉब्लम क्या, ब्रॉन्ज से बनाया जाता होगा, क्या लोहे से बनाया जाता होगा, क्या तांबा से बनाया जाता होगा। विच ऑफ द मटेरियल प्रॉब्लम वुड हैव बीन यूज्ड टू मेक द टिप ऑफ दिस स्पीयर, इस भाले की नोक को बनाने के लिए किस प्रकार के उसका इस्तेमाल किया जाता होगा, मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्या कांस का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्या लोहे का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्या तांबे का इस्तेमाल किया जाता होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये दृश्य है उरुक सिटी का ही, जहाँ पे प्रिजनर्स टू वॉर कैप्टिव्स उनको लेके जाया जा रहा, अब इनको शायद काम पे लगाया जाएगा टेंपल वगैरह या राजा के पैलेस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैनिक वगैरह है, जिनको उर्दू में मुहाफिज बोला जाता है, एंड इन सैनिकों का जो सरदार है कमांडर है ये यहाँ पे भाले लेके खड़ा, एंड इस भाले को लोहे से तो नहीं बनाया जाता होगा क्योंकि लोहा उस जमाने तक तो आया नहीं था, लोहा 1500 BC के बाद इन्वेंट हुआ। कांस और तांबे में जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो कांस है, एंड उरुक शहर की स्थापना हुई 3000 BC में, उसके बाद से कांस जो है मार्केट में आ चुका, कांस इज नाउ बीइंग यूज्ड। तो ऑब्वियसली कांस और कॉपर में अगर किसी को चुनना होगा तो ब्रॉन्ज ही चुना जाएगा, ब्रॉन्ज इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल देन कॉपर, तो ब्रॉन्ज ही लोग वेपन को बनाने के लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। जो यहाँ पे स्पीयर आप देख रहे हो, जो ये भाला देख रहे हो, उसकी नोक को भी बनाने के लिए यहाँ पे ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल करा गया है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ब्रॉन्ज। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, होप कि आपने सारे ही क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करा होगा, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द टाइम स्टैम्प ताकि आप हर एक क्वेश्चंस को अगेन आके रिवाइज कर सके, अटेम्प्ट कर सके। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, एंड अगेन कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम ग्रुप पे हम हमेशा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, आपकी मदद के लिए तैयार है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो, सारी ही चीज़ों के लिए तैयार है। आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे आके हमें अपनी सेवा का अवसर जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू फाइंड द कॉन्टेंट वर्थ शेयरिंग तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, एंड अगर आपने कंटेंट को पसंद किया है, अगर आपने वीडियो को पसंद किया, थोड़ी भी मदद मिली है इससे, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।